YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बेहतरीन शेयर जो कि काफी जबरदस्त है और इस शेयर को मैंने पहले भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। तो जो भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर मतलब जुड़े होंगे उन्हें जरूर फायदा होगा। जब ये स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा था उस समय मैंने शेयर किया था इसका चार्ट। आज हम इस शेयर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये शेयर है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, काफी बेहतरीन शेयर। देखिए जो स्मॉल कैप और लार्ज कैप शेयर है उसमें अभी निवेश करने का नहीं है। इसमें हम निवेश कब करते हैं, जब मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन होता है, गिरावट होता है, तो उस समय ये सारे शेयर हमें काफी चीप प्राइस पे मिलते हैं। तो लेकिन हम अभी बात करें क्योंकि वॉच लिस्ट में आपको ऐड करके रखना है। जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें गिरावट भी काफी ज्यादा होती है, आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा मिलते हैं, तो दोनों बातें आपको हमेशा सोच के रखना है। यहाँ पर इसका मार्केट कैप मात्र 4000 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी करती क्या है, प्लाईवुड मतलब जो लकड़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो खास करके ये मतलब कंपनी बनाने का काम करती है और उसको सेल करने का काम। तो मतलब सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। आप देखिए यहाँ पर कंपनी का जो डिविडेंड है वो जीरो है, मतलब कोई डिविडेंड पे नहीं करी, ग्रोथ पर फोकस कर रही कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल पर रिटर्न ऑन इक्विटी 10% उससे एबव है। प्रमोटर्स होल्डिंग 53.1%, कोई सेल प्लेज नहीं है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी मात्र 0.61 है, मतलब 447 करोड़ का डेट है जबकि रिजर्व 718 करोड़ का। कंपनी का नेट प्रॉफिट 135 करोड़ का। और वहीं ग्रोथ की बात करें, टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी का सेल्स 2019 में था 599 करोड़ का जो कि लगातार बढ़ा है और 2021 में हो गया 1000 करोड़ से भी ज्यादा का। नेट प्रॉफिट की बात है 2019 में मात्र 35 करोड़ का था, 2020 में घटकर के मात्र 14 करोड़ का हो गया, 2021 में बढ़कर के हो गया 69 करोड़ का। तो देखिए यहाँ पर काफी जबरदस्त कंपनी ने 2021 में ग्रोथ दिखाया है। शेयर कैपिटल मात्र 12 करोड़ का, रिजर्व जो है 718 करोड़ का हो चुका है, रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर बात करें डेट का, कंपनी अपना डेट लगातार डिक्रीज कर रही है, काफी बेहतरीन बातें हैं इन्वेस्टर के लिए। अब कैश फ्लो की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी में कैश आ रहा है या नहीं, कंपनी बिजनेस तो कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, क्या कैश जनरेट कर पा रही है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंपनी का जो कैश फ्लो है लगातार जनरेट हुआ है 17 करोड़ का, 100 करोड़ का, 155 करोड़ का, मतलब कैश फ्लो लगातार बढ़ भी रहा है, तो काफी पॉजिटिव साइन है ये इन्वेस्टर के लिए। अब बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2019 में मात्र 52, 2020 में बढ़ गया 53%। यहाँ प्रमोटर्स खुद स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे कंपनी के शेयर आप क्यों ना बाय करें। FIH का स्टेक घटा है मात्र 3% के आसपास है। DIH भी अपना स्टेक बढ़ाया है यहाँ पर 22.73, पब्लिक का स्टेक भी बढ़ा है, मतलब FIH घटाया और सभी ने अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है। अब हम चार्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि हम तो खास करके चार्ट की ही बात करते हैं कि चार्ट पे स्टॉक्स कैसा दिख रहा है। तो देखिए चार्ट पे स्टॉक्स काफी सॉलिड दिख रहा है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा था उसी समय मैंने शेयर किया था 270 रुपीज के प्राइस पर और यहाँ से ये स्टॉक देखिए 353 रुपीज का हाई लगा चुका है। तो समझ जाइए कितना रिटर्न उनको मिला होगा जिन्होंने भी हम मतलब जो ब्रेकआउट यहाँ पर था उस समय मैंने शेयर किया था। और अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के हिस्ट्री का। देखिए ये ज्यादा पुरानी लिस्टिंग ये नहीं है इस कंपनी का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपको प्राइस मिल जाएगा 2020 से, यहाँ पर देखिए 2019 में ये स्टॉक लिस्ट किया, तो मात्र यहाँ पर लिस्टिंग के बाद स्टॉक गिरावट हुआ, मात्र 29 रुपीज का था, वहां से हाई लगाया 58 का, फिर से इसमें गिरावट होता है और मात्र 25 रुपीज पे स्टॉक्स मिला था। 25 रुपीज से ये स्टॉक्स 350 रुपीज से भी ऊपर का हाई लगा चुका है। तो समझिए कितना बेहतरीन स्टॉक्स है और कितना बेहतरीन अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही स्टॉक्स तो चाहिए आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो ये स्टॉक्स अभी काफी जबरदस्त है और काफी बुलिश पैटर्न है क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन खींचे हैं, तो इस स्टॉक का जो अभी ट्रेंड लाइन है वो तो काफी जबरदस्त है। यहाँ पर साइडवेज होने के बाद कोई रेंज बनाता है, जैसे अभी यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आया, यहाँ पर 300 पर सपोर्ट लिया और फिर से वापस मतलब तेजी दिखाया, इस तरह का कोई रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद ऊपर ब्रेक करेगा तो बुलिश होगा, नीचे ब्रेक करेगा तो बेरिश होगा। जैसे यहाँ पे भी रेंज बनाया था, देखिए नीचे का जो सपोर्ट लेवल था वो 220 रुपीज 210 रुपीज के बीच का था, अगर इसको नीचे ब्रेक करता तो हम बेरिश हो जाते, लेकिन ये ऊपर के रेंज आपने 270
70 रुपीज को ब्रेक किया और स्टॉक्स वन साइडेड यहाँ पर 354 रुपीज का हाई लगा चुका है। तो काफी जबरदस्त स्टॉक्स है, जब भी गिरावट मिले चार्ट में भी बिजनेस में भी हर चीज पे स्टॉक्स है। अगर ज्यादा आप जानना है चाहते हैं कंपनी के बारे में तो कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं greenpanel.com और यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और प्रोडक्ट सेक्टर में जाएंगे तो क्यूब ग्रेड रिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब ये कंपनी अपना अपना कैटेगरी किया हुआ है, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, फ्लोरिंग, प्लाईवुड तथा ब्लैक बोर्ड, आप यहाँ पर डोर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, मतलब जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसके बारे में जान सकते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में जान सकते हैं, कंपनी का कहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो सारी चीज़ों को जानने के बाद आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इसी तरह के एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।